दोस्तों, बंदा चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो, उसके नीचे हजारों लोग ही क्यों ना काम कर रहे हो, लेकिन माँ बाप की छाती तो तब चौड़ी होती है जब बच्चा सरकारी नौकरी पा जाता है। और जब बात IAS या IPS ऑफिसर वाली सरकारी नौकरी की आती है, तब तो पूछा ही मत, पूरे जिले में लड्डू बटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा बच्चा अधिकारी जो बन गया है। हाँ, वो बात अलग है कि IAS और IPS जैसे बड़े पदों पर कुछ लोग समाज सेवा के लिए आते हैं, तो कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए आते हैं, और कुछ को इन पदों के साथ मिलने वाला रुतबा पसंद है। अब भाई मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन जब लोग इस लेवल की रैंक हासिल करते हैं तो कोई आंख उठाकर भी इन्हें देख नहीं पाता। पर दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे अफसर भी हैं जिनका काम तो बोलता ही है, उसके साथ साथ उनकी खूबसूरती भी लोगों को हैरान कर देती है, और कुछ तो इतनी खूबसूरत हैं कि बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दें। IPS अंकिता शर्मा। दोस्तों, आज हम आपको सबसे पहले उस लेडी IPS ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS ऑफिसर बनी। हम बात कर रहे हैं अंकिता शर्मा के बारे में, जिनके दबंगई भरे कारनामों के चर्चे आपको अक्सर सुनने को मिल जाएंगे। वैसे लोग इनके दबंग अंदाज के साथ साथ इनकी खूबसूरती को भी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ताल्लुक रखने वाली अंकिता ने वाकई में इतिहास रच दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं IAS ऑफिसर बनने का सपना नहीं देख पाती, लेकिन अंकिता ने न केवल ये सपना देखा बल्कि इसे साकार भी किया, और आज ये छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर कार्यरत हैं, और इतनी दबंगई के साथ अपने काम को करते हैं कि लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इनकी तारीफ की, जिसके बाद इनकी काफी प्रशंसा हुई। लेकिन इनका कहना था कि इससे ज्यादा खुशी इन्हें तब होगी जब इनके प्रदेश के लोग, इनके इलाके के लोग इनके काम की तारीफ करेंगे, क्योंकि अंकिता का कहना है कि वो कोई स्टार नहीं बनना चाहती हैं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार ऑफिसर बनके ही काम करना पसंद है, जिसके लिए वो अपनी जान तक को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। और इनके इसी अंदाज की वजह से लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, और इनकी कई सारी वायरल वीडियोस भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। IPS संयुक्ता पराशर। दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लेडी सिंघम से कराने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों को ISCP अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसमें भारत के भी 2 IPS अधिकारियों का नाम शामिल है, और उन्हीं में से एक हैं IPS संयुक्ता पराशर। पराशर साल 2006 बैच की IPS ऑफिसर हैं। इनका जन्म असम में 3 अक्टूबर 1979 को हुआ था। संयुक्ता ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, जिसके बाद इन्होंने UN फॉरेन पॉलिसी से PhD भी की। आपको बता दें कि संयुक्ता का एक बेटा भी है जिसकी देखरेख संयुक्ता की माँ करते हैं। IPS संयुक्ता ने 2006 में सिविल सर्विसेज में 50वीं रैंक हासिल किए थे, और फिर मेघालय असम कैडर में साल 2008 में संयुक्ता पराशर की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुए थे। संयुक्ता पराशर को पुलिस विभाग के लेडी सिंघम के तौर पर जाना जाता है, और असम के लोग तो इन्हें आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने असम के लोगों के लिए काफी कुछ किया। उग्रवादियों के खिलाफ मिशन में उन्होंने काफी ताबड़तोड़ तरीके से अपना काम किया, और इतना ही नहीं, साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर सुपरिंटेंडेंट पुलिस IPS संयुक्ता ने लगातार अभियान चलाया था, और इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 से लेकर CRPF के जवानों और कमांडो को लीड किया था, और अपने 15 महीनों की पोस्टिंग में इन्होंने 16 एनकाउंटर किए थे। इसी के बाद लोग इन्हें लेडी सिंघम के तौर पर जाने लगे, क्योंकि इस तरह की दिलेरी और जांबाजी दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। IPS मरीन जोसेफ। दोस्तों, इस वक्त IPS के पद पर कार्य करने वाली मरीन जोसेफ का जन्म 20 अप्रैल 1990 में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री पूरी की, जिसके बाद ये केरला कैडर की सबसे कम उम्र वाले IPS अधिकारी बने, जहाँ इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली, और साल 2012 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, जिसमें ऑल इंडिया 188 रैंक के साथ ये IPS भी बन गए। इन्हें Y20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जो G20 देशों के युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम है, और ये प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की IPS थे, जिसके बाद साल 2015 में मरीन जोसेफ ने एक मनोचिकित्सक कृष्णा हम से शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि ये किसी ऐसे वैसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और माता एक अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं, यानी कि इनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल पहले से ही बना रहा, तभी तो आज मरीन जोसेफ ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। IAS स्मिता सभरवाल। दोस्तों, स्मिता सभरवाल 2001 कैडर की IAS अधिकारी हैं, जिनका जन्म 19 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। इनके पिता रिटायर्ड सेना के अधिकारी कर्नल प्रणब दास हैं। पिता का आर्मी में रहने के कारण स्मिता को अलग अलग शहरों में रहना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई पे काफी गहरा असर पड़ा।
लेकिन उसके बावजूद 12वीं में इन्होंने टॉप किया, जिसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साल 2000 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल करके सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्मिता अग्रवाल साल 2001 में IAS अधिकारी चुनी गई और ये न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने काम से भी लोगों का दिल जीत रही हैं। तभी तो आज स्मिता पीपल्स ऑफिसर यानी कि जनता के अधिकारी के रूप में भी जानी जाती हैं। अब महिला होने के नाते इस तरह के शीर्षक से सम्मानित किया जाना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे आपको बता दें कि स्मिता पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्हें CM ऑफिस में तैनाती मिले है। इतना ही नहीं, स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और ये सब कुछ इनकी खूबसूरती को देखकर किसी ने नहीं किया बल्कि इनके काम ही ऐसे हैं कि लोग इनका सम्मान करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि स्मिता सभरवाल ने करीमनगर में बतौर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तौर पर काम करने के दौरान करीमनगर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तभी तो इनके क्षेत्र में आने वाला करीमनगर बेस्ट टाउन का अवार्ड भी जीत चुका है, जहां पर न ही ज्यादा दंगे फसाद होते हैं न ही साफ सफाई की दिक्कत है, और ये सब कुछ स्मिता ने अपनी देखरेख में करवाया है। IAS बी चंद्रकला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। 2008 बैच की IAS ऑफिसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 409 रैंक मिले थे। आपको बता दें कि चंद्रकला शुरुआत से ही पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी बल्कि 10वीं तक ये काफी खराब नंबरों से पास हुई। इनके नंबर इतने खराब होते थे कि इनके स्कूल ने 11वीं में इन्हें साइंस देने से भी इनकार कर दिया था, और उसके बाद जब ये आज से ग्रेजुएशन कर रही थी तभी सेकेंड ईयर में इनकी शादी करा दी गई। अब चंद्रकला की जगह कोई और लड़की होती तो अपने सपने छोड़कर शादी विवाह की जिम्मेदारियों में लग जाते, लेकिन नहीं, शादी के बाद चंद्रकला ने सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करके उसे पास किया, फिर उन्हें सहकारी समितियों के उपनिबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। इस सफलता के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने का निर्णय लिया। हालांकि अपने पहले 3 प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में 409 रैंक के साथ चंद्रकला साल 2008 के बैच की UP कैडर की IAS अधिकारी बन गईं, जिसके बाद इन्हें मथुरा बुलंदशहर इत्यादि की जिम्मेदारी मिले और इन्होंने अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। IAS टीना डाबे। दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते हैं तो टीना डाबे के नाम से तो आप वाकिफ होंगे ही, जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में पहला रैंक हासिल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वैसे इनकी जिंदगी में IAS ऑफिसर बनना ही सुर्खियों का विषय नहीं था बल्कि अपने ही बैच के सेकेंड रैंक लाने वाले अथर आमिर से शादी करना भी किसी कॉन्ट्रोवर्सी से कम नहीं था। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब टीना डाबे और अथर आमिर की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और दोनों ने तलाक ले लिया। दुनिया ये सवाल उठाने लगी कि जब IAS अधिकारी का पद हासिल करने वाले पढ़े लिखे और समझदार लोग आपस में तलाक ले रहे हैं तो नॉर्मल लोगों का क्या होगा। हालांकि सभी ट्रोलर्स को टीना डाबी ने अच्छे से जवाब दिया और अब तो इनकी बहन ने भी IAS की परीक्षा में टॉप करके ये बात साबित कर दी कि दोनों बहनें पढ़ाई में कितनी अच्छी हैं। आपको बता दें कि नवंबर 1983 में भोपाल में जन्मी टीना डाबी ने साल 2015 के सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप किया था और ये कारनामा उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में किया, जिसके बाद फिर तो देश भर की लड़कियों के लिए वो इंस्पिरेशन बन गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ महिला अधिकारी जिनकी खूबसूरती देखने लायक है लेकिन इन्होंने अपने काम से भी लोगों को हैरान करके रखा हुआ है। बाकी आपको सबसे बेहतरीन और इंस्पायरिंग जर्नी किसकी लगे उसका नाम हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दें।